समझता था, आज बोलने का कुवत पैदा किया है और सबसे पहला सिग्नेचर मैं उसका देख रहा हूँ। मैं जवाब देने के तैयार हूँ। मैं आपका पिलर नहीं हूँ, बाबा अनिल मूर्ति जी के अरमानों का पिलर हूँ, बाबा अनिल मूर्ति जी के आदर्शों का पिलर हूँ, किसी व्यक्ति का पिलर नहीं हूँ। और यही पिलर बनने के लिए मैं आप सबको कहता हूँ, किसी साधु का, किसी दादा का, किसी व्यक्ति का आप पिलर मत बनिए। आप बाबा अनिल मूर्ति जी के रखवाले सिपाही हैं। आपका एकमात्र ड्यूटी है कि बाबा के मिशन को कमजोर करने वाले, बाबा के जितना संपत्ति मैंने बताया उसको छीन भीन करने वाले लोग अगर आपको बदलाने का प्रयास किया जाता है, आपको तो जवाब कुर्सी मेरा नहीं है, पद छीना जाएगा, मेरा आचार्य सिर्फ छीना जाएगा, मेरा दात्री सिर्फ छीना जाएगा, हमको पोस्ट नहीं देगा। अरे बाबा को, बाबा देख रहे हैं, बेटा तुमको मैंने बोला था कि सुशील तुम हमेशा स्पष्टवादी रहना, स्पष्ट बोलना, घबराना मत। आज भी स्पष्ट बोल रहे हैं, गुरु आदेश को मान रहे हैं। मैं सबसे प्रार्थना यही करूंगा कि आप सब भी स्पष्टवादी बनिए। और दूसरी चीज कहता हूं कि बड़ी बात क्या हो रही है कि पैसा का चक्र है, पैसा के लिए सबको फोड़ के रखा है, ऊपर में सब एक साथ रसगुल्ला खाता चोर बैठे, समझे ना। इसलिए भुक्ति को स्ट्रॉन्ग कीजिए, भुक्ति को एकजुट कीजिए, कोई प्रोग्राम कीजिए। अगर प्राउड का कोई प्रोग्राम होता है तो प्राउड डिपार्टमेंट के दादा हैं, अगर लगता है कि एक बाहर का आना चाहिए तो उनको बुलाइए। एसडीएम के डिपार्टमेंट के जो मार्गी हैं, एसडीएम का कार्यक्रम कीजिए, अगर लगता है कि एसडीएम के प्रचार के लिए किसी को दादा को आना चाहिए आप बुलाइए, ठीक है, उनकी व्यवस्था कीजिए। लेकिन बेवजह लोग घूमते हैं, कोई पॉकेट है रश्मि जी के, कोई पॉकेट है सतनाचर सतरान जी के, कोई पॉकेट है सचिता जी के, कोई सबका पॉकेट, सब अपना अपना पॉकेट बनाए हुए हैं। ये पॉकेट को बंद कीजिए अपना, और एक आनंद मार्ग भुक्ति को अपना पॉकेट बना, आनंद मार्ग भुक्ति को एक बना दीजिए पटुआ, क्या बोलते हैं उसको, बचा रखता है दर्द, हाँ बना दीजिए, उसमें सब डालिए अपना 2% कम से कम है, जितना हो सके उसमें डालिए। एक कॉन्सेंट्रेटेड और एकत्रित एक सामूहिक आप दौलत इकट्ठा कीजिए, और इसी से आप अपने तरीका से आप लोग निर्णय लेके देखिए कि कहां कितनी किसी देखो। अलग अलग रिश्ता मत बनाइए, अलग अलग रिश्ता बना दिए इसी से संस्था बटा, और बटा वो लोग नहीं, वो लोग सब एक के है, लेकिन हम लोगों को बांट दिया अपना मठाधीशी काम करने के लिए। और समाज तो बदलना हम लोग को है, समाज आंदोलन करना है, जो बोलिए आप कि समाज आंदोलन जो आज पूंजीवाद के खिलाफ में लड़ना है, पूंजीवाद के खिलाफ में जब लड़ना है तो अगर एकजुट नहीं रहेंगे, बाब ने शक्ति संघे शक्ति करे जोगे, अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो हम बड़ा आंदोलन कैसे करेंगे, बोलिए। इसलिए प्राउड आधारित पूंजीवादी व्यवस्था को नस्तानाबूद करने करके एक नया समाज बनाने की जो कल्पना बाबा ने किया है, उसी को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है कि हमको बांट के रखो ताकि बड़ा काम नहीं कर सके। अभी दिल्ली में 2-3 महीना पहले मैं प्राउड के एसडी से बात किया कि हमारे दिल्ली के कल्चर के लायक, दिल्ली के जो सोच है, दिल्ली का जो स्टाइल है, उस स्टाइल के लायक आपका सुशील फिट नहीं बैठ। यहाँ पर हमारे निरंजन छोटा भाई है, हमारे राजेश है, हमारे और लोग हैं, ये सब लोग हैं, ये सब लोगों को हम बुलाते हैं और सब लोग बात कीजिए समाज मूवमेंट के लिए या प्राउड को आगे बढ़ाने के लिए सबको लेना जरूरी है। इसलिए हम लोग बुलाते हैं, एक मंच पर लाते हैं और आप हम लोग सब दिल्ली में छा जाएंगे। हम बोलते हैं कि नहीं 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 आंटी ग्रुप का है उसको नहीं बुलाना है। अरे आंटी ग्रुप का कैसे है भाई, आंटी ग्रुप का कैसे है, वो तो बोल रहा है कि ऐसे होना चाहिए था, ऐसे हो रहा है, उसको आप आंटी ग्रुप मानते हैं। आज सुशील बोल रहा है, सुशील बोल रहा है कि आप समिट होना चाहिए, सुशील बोल रहा है कि जो संपद है बाबा का वो स्थापित होना चाहिए, तो कल के कहिया कि सुशील हमारा आंटी ऑर्गेनाइजर हो, आंटी व्यक्ति हो सकता, आंटी मिशन कैसे हो जाएगा भाई, हम आंटी मिशन कैसे हैं, हमारे रामचंद्र बोले क्या हो रहा है, हमसे आंटी मिशन कोई बात ना हो, आंटी मिशन नहीं हो रहा है, प्राउड की स्थापना हो बाबा का सपना है, जिसके लिए बाबा जेल गए आपको पता होगा, एग्जाम्पल देता बहुत समय नहीं लेंगे, मात्र 5 मिनट, बक्सर जेल में बाबा थे, बक्सर जेल से बाबा को